पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद बाबा नगरी में बेखौफ बदमाशों का खौफनाक कहर जारी है। शहरी इलाकों में बदमाशों पर कुछ हद तक नकेल कसने में कामयाब पुलिस के लिए अब बाहरी इलाके में बदमाश सिरदर्द साबित होते जा रहे हैं। बदमाशों ने वारदात को जिस बेखौफ अंदाज में अंजाम दिया उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मृतक के पास चल रहे भाई के मुताबिक दोनों भाई काम के लिए घर एक साथ निकले थे, लेकिन रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे वकील यादव, बाबू यादव और नंदकिशोर यादव ने पहले तो रास्ता रोका और फिर रेवा राणा के सीने पर, सर में और एक के बाद एक करके तीन गोलियां दाग दी। तीन गोली खाने के बाद रेवा की मौके पर ही मौत हो गई और कातिल आराम से चलता बना। घटना जमीन का विवाद था उनके साथ, आज 4 साल से चल रहा था और जमीने के विवाद में उसको गोली मारा गया। हम साथ में थे काम करने के लिए, हम जो CDR रहे थे उनके साथ में दोनों भाई, वो तो अपना काम के लिए आता था, हम उनके साथ में जो CDR रहे थे तो वहाँ रोक दिया। वकील यादव ने आगे रोका तो रोक करके हमको बोला कि साले तुम हटो यहाँ से नहीं तो तुमको भी मार देगा। इतने बोलने के बाद गोली वकील यादव, बाबूनी यादव, नंदकिशोर यादव चला दिया। कौन थे वो, क्या नाम था वही लोग नाम जो बोले जो ना आप जो डेथ किए हैं वो कौन वो है? रेवा राणा नाम था, मेरा भाई है, हम बड़े हैं वो महिला। क्या गोली लगाए हमको? 3 गोली मारा, एक गोली वकील यादव मारा है, 2 गोली सब मारा है। और वहाँ आदमी 30-40 तो था, सिनवार था, उसमें छुपा हुआ था। हम उसको जिसको पहचाने हैं वो बगल में है, हमको सब रगड़ने लगा और उसको मारा। वो जो रगड़ा है उसका भी हम नाम देंगे। क्या नाम है उसका? नुंधन राणा। क्या कार्रवाई की जा रही है? सुबह 9 बजे करीब मुझे सूचना मिली थी फोन से कि सिरदारडी गांव के एक लड़का है जिसका नाम है रेवा राणा, उम्र करीब 45-47 वर्ष होगी। वहाँ फोन से सूचना मिली कि उसको गोली मार दी गई थी। तो वहाँ पे जब हम लोग गए तो पता चला कि वो सुबह में जो है 8 बजे अपने घर से सिरदारडी से निकला था मानिकपुर आने के, उसी क्रम में किसी कलवट के पास जो है गोली मारी गई। और पता चला कि लोग लेकर उसके परिवार जन जो है हॉस्पिटल गए, तो हम लोग हॉस्पिटल आए, यहाँ पर उसको देखे तो उसको 3 गोली लगी, 2 सीने में 1 माथे में, और डॉक्टर तो उसको मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस मामले की छानबीन कह रहे हैं। परिजन तो बता रहे हैं, आरोपी का नाम बता रहे हैं, कुछ जमीन विवाद था। परिजन के द्वारा मुझे अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है, अगर ऐसा बयान देंगे तो देखें।